गया। दिल्ली स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। काला जठेड़ी के साथ राजस्थान पुलिस की कस्टडी से भागी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल ने दोनों शातिर बदमाशों को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। पहलवान सागर धनखड़ की मौत के बाद से सुर्खियों में आए काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस काफी शिद्दत से तलाश कर रही थी। काला जठेड़ी ने सागर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। पकड़ा गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी। शिकंजे में 7 लाख का इनामी बदमाश। लेडी डॉन अनुराधा भी गिरफ्तार। गिरफ्त में काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी। देखिए इस समय दिल्ली एनसीआर का जो सबसे कुख्यात गैंगस्टर है काला जठेड़ी, वो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट स्पेशल सेल की वहां पर मौजूद है और इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 7 लाख रुपए का इनाम जो है वो काला जठेड़ी के ऊपर था और स्पेशल सेल के अलावा कई राज्यों की पुलिस जो है वो काला जठेड़ी को गिरफ्तार करी थी। जो राजस्थान की लेडी डॉन है उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो है काला जठेड़ी रह रहा था। और बता दें कि जिस तरह से सागर धनखड़ की हत्या हुई थी उसके बाद से नाराज होकर जो नीरज भवानिया गैंग के जो शूटर है उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जो है वो टारगेट करने का इसका मंशा था। देखिए ये लेडी डॉन जो है ये इसके साथ यहाँ पर मौजूद है, जो पहले भी राजस्थान से गिरफ्तार हो चुकी हैं और फिलहाल देखिए स्पेशल सेल की कस्टडी में जो है वो इस समय काला जठेड़ी को रखा गया है। काला जठेड़ी उर्फ संदीप दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में खड़े दिल्ली के इस कुख्यात गैंगस्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एनकाउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जठेड़ी को सहारनपुर के अमानत ढाबे पर उसकी सहयोगी लेडी डॉन अनुराधा उर्फ रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने दोनों के पास से एक एक पिस्टल भी बरामद की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम चर्चा में आया था। दरअसल पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर की पिटाई की थी तो सागर के साथ उस वक्त सोनू महाल भी मौजूद था। सोनू महाल काला जठेड़ी का रिश्तेदार है और उसकी पिटाई के बाद से ही काला जठेड़ी और सुशील कुमार में ठन गई थी। सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी ने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। काला जठेड़ी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। बकौल दिल्ली पुलिस, काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्पेशल सेल के मुताबिक फरवरी 2020 में फरीदाबाद पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और नेपाल में छिपता रहा।
गिरफ्तार होने से पहले काला जठेड़ी लेडी डॉन अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था और जैसे ही सहारनपुर आया पुलिस ने उसे अनुराधा के साथ गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल के मुताबिक चूंकि काला जठेड़ी के रिश्ते राजस्थान में एक एनकाउंटर में आज से 6 साल पहले मारे गए आनंद पाल के गैंग से भी थे, लिहाजा वो और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे काला जठेड़ी को फरार होने के वक्त मदद करते रहे। इस दौरान काला जठेड़ी इतना बेखौफ था कि वो लगातार ठिकाने बदलने के साथ साथ अपने मोबाइल फोन से फेसबुक का इस्तेमाल भी कर रहा था। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की जनवरी 2021 में फेसबुक पर दी गई इस धमकी की तस्वीर को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दोनों कितने शातिर हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक सागर पहलवान हत्याकांड से नाराज होकर काला के निशाने पर सुशील कुमार और नीरज भवानिया के गैंग मेंबर थे, लिहाजा काला की नाराजगी से डरे पहलवान सुशील कुमार ने 3 बार काला जठेड़ी से फोन पर माफी भी मांगी थी और समझौते की बात भी कही थी। जिस तरह से छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ पहलवान की हत्या हुई थी उससे नाराज होकर काला जठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी भी दी थी और जानकारी ये भी आ रही है कि उसके बाद एक समझौते के लिए जो पहलवान सुशील कुमार हैं उन्होंने काला जठेड़ी से माफ़ी भी मांगी थी। उस पूरे एंगल पे भी लगातार अब जो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो काला जठेड़ी से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल ने इस शातिर दिमाग गैंगस्टर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। दरअसल पुलिस की पूछताछ में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद स्पेशल सेल ने एक जाल बिछाया। लॉरेंस बिश्नोई की 20 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों के जरिए बिश्नोई तक एक मोबाइल फोन पहुंचाया। ये स्पेशल सेल के ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा था। फोन मिलने के बाद बिश्नोई ने काला जठेड़ी से बात की। 1 महीने तक बिश्नोई के फोन कॉल्स पर नजर रखने के बाद काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर एक्सटॉर्शन लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs हैं। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है। काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ने ही एक गठजोड़ के तहत एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। स्पेशल सेल के सरकारी कागजों में बात दर्ज है कि 600 से ज़्यादा गैंगस्टर जो हैं इन दोनों गैंग मेंबर के दिल्ली NCR और अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। सोशल मीडिया से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी हायर करते थे गैंगस्टरों को और उसके बाद उन्हें अलग अलग टास्क दिया जाता था। बता दें कि इसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के काउंटर इंटेलिजेंस के दफ्तर में काला जठेड़ी को रखा गया है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। और जिस तरह से काला जठेड़ी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद दिल्ली NCR और अलग अलग राज्यों में काला जठेड़ी के निशाने पर कौन कौन से लोग थे, किस तरह का इनका पूरा आगे की प्लानिंग थी, वो तमाम चीजों का भी खुलासा होगा। आइए अब आपको इस शातिर गैंगस्टर के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक संदीप उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। पिछले 10 महीने में काला जठेड़ी गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 हत्याओं को अंजाम दिया। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर 100 से ज्यादा बदमाशों का गैंग चला रहे हैं। काला जठेड़ी फरवरी 2020 में फरीदाबाद से पुलिस कस्टडी से भागा था। उसके गैंग के गुर्गों ने पुलिस को भटकाने के लिए ये बात फैलाई कि वो विदेश में हैं।
काला जठेड़ी से बात करने के लिए उसके गुर्गे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। काला जठेड़ी को अल्फा, काला राणा को टाइगर, जबकि गोल्डी बरार को डॉक्टर कहते हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक काला जठेड़ी का साथी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा थाईलैंड में छिपा है, जबकि उसका दूसरा साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार कनाडा में बैठकर गैंग चलाता है। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी गैंग के अंकित, रवि जाक्सी, राजन जाट, सुमित बिचपटी, अमित और सुधीर मान को गिरफ्तार कर लिया है। काला जठेड़ी सोनीपत का रहने वाला है और 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज हैं। कई राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी। 7 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था। जिस तरह से जीटीबी अस्पताल में कुलदीप फज्जा को बदमाश भगा के ले गए थे, उसमें भी काला जठेड़ी गैंग का नाम सामने आया था। हालांकि बाद में इनकाउंटर में कुलदीप फज्जा को दिल्ली पुलिस ने ढेर कर दिया था। वहीं बता दें कि स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जठेड़ी के लगभग तमाम गैंगस्टरों की गिरफ्तारी करी थी, कई इनकाउंटर किए थे। और काला जठेड़ी का जो सबसे करीबी शार्प शूटर था नीतीश, उसे हाल में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इसी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर कई ऐसी लीड्स मिली थी, जिसके बाद ये तय हो गया था कि काला जठेड़ी विदेश में नहीं है बल्कि दिल्ली NCR में ही छिपकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गैंगस्टर काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के साथ साथ स्पेशल सेल के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी के साथ लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज उर्फ रिवॉल्वर रानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के मुताबिक लेडी डॉन अनुराधा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के दौरान अनुराधा राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने अनुराधा की मुलाकात काला जठेड़ी से कराई थी। काला जठेड़ी और अनुराधा पिछले 9 महीने से लिविन में रह रहे थे। अनुराधा के इशारे पर काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और कत्ल जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देता था। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल को उम्मीद है कि वो जल्द ही इन दोनों शातिरों के तमाम राज को बेनकाब कर देगी और फरार चल रहे इनके दूसरे साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी।